Hello everyone, my name is Dhananjay and I welcome you all to this fantastic series by Trade Hunter. इसके अंदर हम लोग देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स जो डेली फॉलो होते हैं और नेक्स्ट डे के लिए भी वो देखे जाते हैं। कल से हमने ये स्टार्ट किया, एक्चुअली ये सेकंड वीडियो है उस सीरीज का। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज के दिन, मतलब आज था 21 दिसंबर, क्या हुआ, और इसके ऊपर से बात की जाएगी कि 22 दिसंबर मतलब कल कौन से लेवल फॉलो हो गए। तो मैं पहले आपको बता दूं, कल के वीडियो में ऊपर स्क्रीन पे देख लीजिए, मैंने जस्ट यहाँ पे ओपन किया है, जो लेवल्स हमने ड्रॉ करके दी है ये कल के वीडियो का पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.54 पे ये दिख रहा है आपको, 4:54 पे। तो ये सेम लेवल्स मैंने यहाँ पे रखे हैं टू मेक श्योर दैट मैंने आज एडिशनल लेवल्स कहीं पे भी ऐड नहीं किए। ये छोटा सा ब्लैक लाइन अगर मैं छोड़ दूँ तो बाकी कोई भी लेवल मैंने आज यहाँ पे ऐड नहीं की है। स्टार्टिंग विद दी वन वीक, जो वीकली कैंडल बना था कल के वीडियो में मैंने जो दिखाया था वो कुछ अलग था। आज के वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि वीकली कैंडल भी कितना नीचे ड्रैग हो चुका है, ये सारे लेवल्स तोड़ के ये वीकली कैंडल नीचे आ चुका है, राइट। तो ये थोड़ा सा टफ होने वाला है। अभी जो लेवल्स निकली जाएगी वो इंट्राडे के हिसाब से अगर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे 5-15 मिनट से तो नहीं निकलेगी, हमें थोड़े से प्रीवियस लेवल्स पे गौर करना पड़ेगा जो कि हमें 1 आवर 1 डे पे दिखेगी, या फिर कोई फ्रेश लेवल्स अगर बनती है तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। सो मैं सब करके देता हूँ, वो छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए। तो वन वीक का कैंडल देखिए, अभी कल के वीडियो में अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा अलग ही कैंडल दिख रहा था। आज इतने बड़े फॉल के बाद पूछिए मत, कैंडल की हालत खराब हो चुकी है वन वीक की बात अगर की जाए। अभी मैं आपको वन डे का दिखा देता हूँ क्या हुआ। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सारे लेवल्स तोड़ के कितना बुरी तरीके से मार्केट आज ओपन हुआ 43,551 पे, क्लोज ऑफ 42,617 पे, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स का फॉल, जो कि मैंने रियल टाइम में ही प्रिडिक्ट करा दिया था हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक्चुअली लाइव इसमें ही दिखा दिया था कि टेलीग्राम पे क्या होने वाला है। ये देखिए पहला लेवल मैंने ये बताया था, उसकी ये मैंने पोस्ट किया था 12:03 पे, नीचे आप लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे देखिए, फिर 12:04 पे अपडेट करके दे दिए सारे दोनों तीनों लेवल। ये लेवल पहले टूटा फिर यहाँ तक आया, फिर देखिए ये सबसे लास्ट में मैंने पोस्ट किए थे कि हमारे लेवल्स कैसे काम कर रहे हैं, राइट। सो ये मैंने पहले ही बता दिया था, नो डाउट एट ऑल। तो वन डे के हिसाब से यहाँ पे आपको दिख रहा है, अभी यहाँ पे फ्रेश लेवल्स अगर बनाने हैं तो वन डे के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, अभी ये ऊपर से मार्केट मतलब उसको तोड़ के तो मार्केट ऊपर चला गया था, अभी वो रेजिस्टेंस बन जाएगा सपोर्ट, ओके। ये देखिए मैंने इसको अभी मैं ग्रीन कलर में करता हूँ, ओके। तो ये न्यू लेवल जो फ्रेश लेवल्स वो ग्रीन कलर से दिखेंगी, ठीक है। तो ये है जो जहाँ पे आज मार्केट क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट वहीं पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद दूसरा एक लेवल मुझे दिख रहा है यहाँ पे 42,205 पे। अभी वन डे के हिसाब से तो मुझे एक सिंगल लेवल दिख रहा है, जब मैं इसको और नीचे ले जाऊँगा टाइम फ्रेम में तब मैं इसको हल्का सा मॉडिफाई करके इसका चैनल बना पाऊंगा। जैसे 1 आवर पर मैं अगर अभी जंप करूंगा तो देखिए ये लेवल्स का क्या होता है, यस क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी इस तरीके का चैनल बनेगा, क्योंकि देखिए मैंने कहा था थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा क्लियर दिख जाता है, ओके। अभी और एक नया लेवल मुझे मिल गया 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ये वाला, राइट। सो अभी ऊपर वाले लेवल्स तो है ही, वो अभी तक डीएक्टिवेट नहीं हुए क्योंकि वो ब्रेक होके नीचे आया है, ऊपर तो अभी तक गया नहीं उसके। तो ऊपर वाले लेवल्स कीप वैसे ही रखना है आपको कैपेसिटीज, और नए लेवल्स आपको ड्रॉ करने हैं ये वाले, ये 1 आवर के हिसाब से मैं अभी दिखा रहा हूँ। अभी अगर मैं इसको और लोअर टाइम फ्रेम में ले जाऊंगा, देखिए 15 मिनट में मैं अगर ले जाता हूँ तो कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि जल्दी अगर आप ऐसा पीछे जाके देखेंगे तो ये लेवल्स काफ़ी पीछे है, नवंबर में आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1 मंथ अगो। तो यस ज़्यादा पुराना टाइम नहीं, इसलिए मैंने ड्रॉ करके कंसिडर किया है, करना ही पड़ेगा क्योंकि वो भी लेवल्स उतने ही इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड ये नहीं है कि अभी इतना फॉल कल भी दिखेगा, आई डोंट नो, हो भी सकता है कुछ बड़ा रीज़न अगर आया। आज शायद से दोपहर में वापस कोरोना का किसी ने कुछ तो भी एक पिल्लू छोड़ दिया, तो उसकी वजह से ये लफड़ा हुआ है जहाँ तक मेरी जानकारी है। मैं फंडामेंटल पे ध्यान नहीं देता हूँ, और ऐसा कहा गया कि 10% हाइक हो गया, पेशेंट हाइक हो गया, आ गया भाई आ गया कोरोना आ गया, इसकी वजह से ये हो गया। हम इंडियंस हैं, हमें कुछ मतलब उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अभी तक तो ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी साइकोलॉजिकल ये होता है, और एक मतलब सेलर्स को थोड़ा सा बूस्ट मिलने के लिए एक छोटा सा ये हो गया, वो डोस हो गया, इसकी वजह से वो हो गया शायद से। तो कल मुझे नहीं पता क्या होगा, अगर गैप डाउन ओपन होगा तो डेफिनेटली वैसा होगा। कल मैंने कल के वीडियो में ये बताया था, ये लेवल्स छोड़ के अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा तो बड़ा मूव दिखेगा। गैप डाउन तो ओपन नहीं हुआ, गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद ये लेवल्स छोड़ के जब नीचे आया तो
बुरी तरीके से नीचे आया। और हमारे जितने स्ट्रैटेजीज वो स्ट्रैटेजीज भी यहाँ पे काम करके गई थी, आज के दिन आप जाके क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये न्यू लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे कल के दिन। अभी मैं एक टाइम फ्रेम बस नीचे और ले जा रहा हूँ, 5 मिनट। यस, अभी देखिए अगर यहाँ पे मार्केट खुलता है तो जो पहला नीचे जो लेवल मिलेगा वो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट नीचे है, उसके नीचे वाला लेवल जो है वो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट, मतलब 250 पॉइंट्स नीचे है। दैट्स टोटली ओके। ऊपर के लेवल जो एज इट इज इंटैक्ट वैसे ही आपको ड्रॉ करके रखने हैं। सो निफ्टी बैंक के लिए ये लेवल्स आपको कल के दिन ड्रॉ करने को वहाँ पे चांस है, और ये मतलब फॉलो करने के लिए अच्छे रहेंगे आपको। अभी मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी 50 में क्या हुआ, 1 वीक का टाइम फ्रेम। यस, ये कल के लेवल्स। हाँ, निफ्टी 50 में एक अच्छा है कि जो लेवल्स है वो सारे तोड़ के अभी तक मार्केट नीचे नहीं आया 1 वीक का कैंडल, लेकिन वो भी वहाँ पे बेरिश दिख रहा है, तो सेलर्स थोड़े से फॉर्म में आ सकते हैं क्योंकि निफ्टी एक इंडिकेटर करके काम करता है मार्केट का। तो यस, उल्टा हैमर लगातार दूसरे वीक का भी बन रहा, अभी तक वीक क्लोज हुआ नहीं है, दैट्स टोटली ओके। अभी वो जो लेवल्स है उसको वैसे ही रहने दीजिए, थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे नए लेवल्स हमें मिल सकते हैं। यस, अभी 18,200 पे मार्केट क्लोज है और नीचे वाला लेवल 18,023 पे है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स नीचे है, तो इट इज़ गुड। अभी और थोड़ा सा नीचे के टाइम फ्रेम पे जाके बाकी के लेवल्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे जो यहाँ पे गैप दिख रहा है, ये वाला गैप, ये गैप का बस एक ही मुझे ये दिख रहा है कि ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है, तो ये गैप पे स्कोप है। यस, सो देखते, मतलब अभी तक तो वहाँ तक जाने का कोई चांस है नहीं। आज का कैंडल अगर वनडे का देखेंगे तो पिछले 3 कैंडल का एंगल्फिंग करके नीचे आया है, लेकिन ये अभी भी एक सपोर्ट के ऊपर है। थोड़ा सा और नीचे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो और वहाँ पे क्लियर चैनल ड्रॉ करने को मिल जाएंगे। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यस, देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा एक क्लियर चैनल में ड्रॉ कर पाऊंगा अभी, इसकी वजह से ये मैंने आज ड्रॉ किया है ग्रीन वाला, इसलिए मैं इसको ग्रीन कलर में रखता हूँ। ओके, कलर वेरिएशन दिख गया तो समझ लेना कि डे चेंज हो गया और नए लेवल्स हमने ड्रॉ किए। ये भी तो ये चैनल फॉलो करिएगा। चैनल का रीज़न तो अब मैंने आपको बताया, हमारे वेबिनार में भी मैंने बताया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये एक लाइन नहीं होती, एक लाइन पे कोई भी ऑर्डर नहीं होती, एक स्पैन होता है, एक छोटा सा रेंज होता है, उसमें ये ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो लेवल्स के अंदर लोग वेट कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे, इसलिए वो ऐसा दिखता है। अगर आपने नहीं देखा तो वेबिनार अटेंड कर लीजिए, देख लीजिए, लाइव सेक्शन में है फ्री कोर्स नाम से, और हमारा जो मास्टर क्लास है वो भी चालू ही है अभी, तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। वेबिनार में मैंने उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो ये देखिए ये लेवल्स निफ्टी के लिए, अभी मैं 1 आवर टाइम फ्रेम तक आ चुका हूँ, 15 मिनट पे देख लेता हूँ। थोड़ा हल्का सा नॉइज पीछे आ सकता है, बाजू में फर्नीचर का काम चल रहा है, आई कैन टेल, तो देखते हैं क्या है। थोड़ा सा मुझे एक बात भी करनी है, आप पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, डोंट मिस आउट। हाँ, ये देखिए अभी एक लेवल है यहाँ पे जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन है, तो मैं उसको क्या करूँगा, ग्रीन में हल्का सा ग्रीन उसको कर देता हूँ। उसका मतलब क्या, वो कंसिडर करिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर ना दिया तो भी चलेगा, लेकिन कंसिडर करिएगा। क्यों, रीज़न आपको पता चल जाएगा, खुद आपको ही पता चल जाएगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। ये यहाँ पे वो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। यस, ये लेवल्स ड्रॉ करके रख दीजिए आपके चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 के अंदर, क्योंकि यही लेवल्स कल के दिन आपको देखने को मिलेंगी। ये छोटू सा लेवल मैंने ड्रॉ किया था, यस, वर्क कर गया ब्रेकआउट के बाद, वहाँ से लेके यहाँ तक का हमें टारगेट मिल चुका था, क्योंकि ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का टारगेट था, काफ़ी बड़ा टारगेट था, तो इट वॉज गुड। जिन्होंने ट्रेड किया दैट इज ऑल्सो गुड, प्रॉफिट किए गुड, लॉस किए तो भी गुड, क्योंकि लॉसेस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्केट, डोंट वरी अबाउट दैट। 20 में से 4 दिन लॉस करने वाले हो तो आज वो 4 में से 1 दिन आज का था ऐसा कंसिडर करिएगा, छोड़ दीजिए, पैनिक नहीं होना है और वसूली के पीछे नहीं जाना है, रिवेंज ट्रेड नहीं करना है कि हाँ मार्केट ने मेरा आज पैसा लिया कल मैं वापस लेके रहूंगा डबल लूंगा, ऐसा नहीं है। स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, स्टडी को फॉलो करिए, बाकी कुछ भी मत करिए। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे ये डिस्कस करनी थी कि बहुत से लोग मुझे कमेंट करके मैसेज करते हैं, लाइव में ट्रेड करके दिखाओ, आपका प्रॉफिट दिखाओ। मुझे एक बात बताइए, आपको जो लोग प्रॉफिट दिखा रहे हैं वो लोग आपके लिए कितने यूजफुल हैं, वो लोग आपको क्या हेल्प कर रहे हैं, आपको क्या पता। जो बंदे का प्रॉफिट आपको 1 लाख दिख रहा है, क्या आपको पता है उसने कितना कैपिटल यूज किया है? आपके पास उतना कैपिटल है? 20-25 लाख कैपिटल आप लगा सकते हो? रिस्क कैपिटल आपका 5 लाख का है क्या? आप एक दिन में 5 लाख रुपए अगर लॉस भी हो जाए तो आराम से सो पाओगे? क्यों ये चक्कर में पड़ते हो? वो सब छोड़ दीजिए, अगर कोई प्रॉफिट दिखा रहा है तो वो बड़ा ट्रेडर है, वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कोई आपको लॉ आपको अगर नहीं दिखा रहा है, आपको अगर प्रॉफिट्स नहीं दिखा रहा है ट्रेड अगर नहीं, अरे मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, वो ये मेरा पर्सनल एरिया है, ठीक है। तो अगर कोई नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे आपको दूर रहना या वो बंदा आपको हेल्प नहीं कर सकता। अरे भाई मैं जो बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, जो स्टडीज़ है, जो स्ट्रैटेजीज़ है, टेस्ट तो करो भाई। जिन्होंने टेस्ट किया उनको रिजल्ट मिल रहे, वो लोग मुझे पोजीशंस डेली व्हाट्सएप करते हैं,
हमारा व्हाट्सएप नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप भी कर सकते हैं। लॉसेस होते तो भी प्राउडली करते हैं, सर मेरी गलती थी, मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं करना चाहिए था, आपके स्ट्रेटेजी में आपने बोला था, लेकिन मैंने वहाँ पे एग्रेसिव एंट्री किया, इसलिए लॉस हो गया सर। यस दैट्स टोटली ओके, 80% एक्यूरेसी है, 20% लॉसेस होने वाले हैं। ये चीज छोड़ दीजिए, जो लोग प्रॉफिट दिखाते, अरे भाई टूल्स भी आते, सॉफ्टवेयर्स भी प्रेजेंट है यार मार्केट में। मैं चाहूँ तो मैं खुद 10-10 लाख के प्रॉफिट डेली दिखा सकता हूँ, जीरोदा, अपस्टॉक्स, अलाइस ब्लू, कोई भी आप ब्रोकर लीजिए। ये लोगों ने ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना के रखे हैं कि फेक स्क्रीनशॉट बनते हैं, वो दिखा दिखा के रील्स में चमका चमका के आप उनके पीछे भागोगे, फिर वो थोड़े दिन बाद आपसे पैसे लेके कुछ सर्विस देंगे, फिर बाद में पता चले यार ये बंदा तो येड़ा बना गया। मतलब नहीं, जो फ्री में मिल रहा है उसकी वैल्यू क्यों नहीं आपको, मुझे आप बताइए क्यों नहीं आपको। ये मत करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो स्टडी में बता रहा हूँ एटलीस्ट चेक तो करिए, ट्रेड मत करिए भाई, चेक तो करिए चल रहा है नहीं चल रहा है, ऐसा कैसे चलेगा, चेक करिए, स्टडीज आपको अच्छे लगेंगे, डेफिनेटली लगेंगे। ओके, कंसेप्ट अगर पसंद आया, मेरे थॉट्स अगर पसंद आए, वीडियो अगर पसंद आए, अगर आपको ये कंटिन्यू में रखना है, सबसे पहली चीज लाइक बटन लाइक करिए, दूसरी चीज कमेंट्स में मुझे बताइए यस सर वी वांट दिस सीरीज टू कंटिन्यू फॉर लाइफ टाइम, ये फ्री है लाइफ टाइम, सो प्लीज कमेंट्स में एक्सप्रेस करिए, मुझे जहां तक कॉन्फिडेंस लगेगा जो मेरे सब्सक्राइबर्स खुश है उनको ये चाहिए तो ही मैं ये कर पाऊंगा। अगर मैं जोर जबरदस्ती आपके ऊपर ये वीडियो थोप रहा हूं तो कोई मतलब नहीं बनेगा, एक्सप्रेस करिए कमेंट में, मुझे बताइए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि उसी पे सारे अपडेट्स लाइव वहां पे रियल टाइम में आपको मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल की इस वीडियो में।